हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक 2BHK का इंटीरियर जो कि हमने किया है न्यू टाउन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों शुरू करते हैं हमारे मेन डोर से। अगर मैं मेन डोर की बात करूँ तो यहाँ पर हमने एक एक स्टील का डोर लगाया हुआ है और साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर PVC लूवर्स लगाए हुए हैं, कुछ इस तरीके से पैनलिंग की है। ऊपर में हमने यहाँ पर स्पॉटलाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे लेफ्ट एंड पर एक सूर्य का आता है जो कि हमारा 4x4.5 का लगभग एक सूर्य का आता है। तो जैसे ही आप ये एंटर करेंगे ये आता है हमारा मेन डोर। अगर मैं दरवाजों की बात करूँ तो सभी दरवाजों पर हमने पैनलिंग की हुई है और दरवाजों पर लेमिनेट लगाई है। टी प्रोफाइल का डिज़ाइन डाला हुआ है, कुछ इस तरीके से आपको ये पूरा डिज़ाइन नज़र आएगा। फिर हम एंटर करते हैं, हमारा ड्राइंग रूम आता है। अगर मैं ड्राइंग रूम की बात करूँ तो यहाँ पर हमने चारों तरफ पट्टा फॉल सीलिंग और बीच में हमने पैलमेट बनाया है जिसमें हमारे फ़ैन लगे हुए हैं। यहाँ पर ये पार्ट हमारा सेपरेट है। इस पार्ट में हमने यहाँ पर फॉल सीलिंग कर ग्रूव का डिज़ाइन डाल दिया है। फिर हम चलते हैं, ये हमारा ड्राइंग रूम आता है। इसमें हमारी यहाँ पर ये सोफ़ा बैक वॉल है, यहाँ पर हमने POP की मोल्डिंग वगैरह लगाई हुई है। फिर ये आता है हमारा सामने, हमने TV कैबिनेट बनाया है एक पूरी वॉल पर। अगर मैं TV कैबिनेट की बात करूँ तो यहाँ पर हमने नीचे ब्राउन कलर, पीछे हमने पत्थर वाली लेमिनेट लगाई हुई है, साइड में शोकेस टाइप बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारा ये ग्लास के शटर लगा हुआ है और इसके अंदर हमारी सेल्फ और लाइट आ जाती हैं। कुछ इस तरीके से आपको पूरा TV कैबिनेट आएगा। फिर हम एंटर करते हैं, ये आती है हमारी किचन। ये जो किचन है हमारी पैरेलल शेप किचन है जिसमें हमारा जो पत्थर है और टाइल वगैरह बिल्डर की दी हुई है। यहाँ पर हमने नीचे क्या किया है, नीचे के हमने शटर चेंज किए हैं, इसमें बास्केट वगैरह जो है ये लगी हैं, इसमें अपना जी प्रोफाइल का डिज़ाइन अपना बेज कलर के साथ। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पर चिमनी आती है। चिमनी के दोनों साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिफ्ट अप शटर लगाए हुए हैं, कुछ इस तरीके से आपको शटर नज़र आएंगे। और ऊपर में हमने यहाँ पर लॉफ्ट स्टोरेज बनाई है जिसके अंदर भी प्रोफाइल लाइट दी हुई है। इसके अपोजिट साइड की बात करें तो यहाँ पर हमने अवन के लिए स्पेस बनाया हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोलिक शटर आते हैं, ऊपर पूरी लॉफ्ट स्टोरेज और यहाँ से सिंक जो है हमने बाहर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट में एक क्रॉकरी टाइप बना दी है जिसमें हमारा ग्लास का शटर है और अंदर में हमने प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। नीचे की बात करूँ तो यहाँ पर हमने यहाँ दो बास्केट ऐड कर दिए हैं और बाकी हमारे शटर हो जाते हैं। बैल्कनी की बात करें तो यहाँ पर हमने एल्युमिनियम कवरिंग कर दी है, कुछ इस तरीके से कवरिंग हो गई है और यहाँ पर हमने सिंक पहुँचा दी है। इसके ऊपर आप ये स्पेस देख सकते हो, हमने RO गीजर वगैरह जितने भी प्रोविजन है सारे बाहर कर दिए हैं। ये था हमारा मास्टर बेडरूम। अगर मैं मास्टर बेडरूम की बात करूं तो यहाँ पर हमें वॉक इन क्लोजेट का एरिया दिया हुआ है बिल्डर ने, तो यहाँ पर हमने एल शेप में एक वार्डरोब बनाई है। अगर मैं वार्डरोब की बात करूं तो यहाँ पर हमारा एक ड्रेसर आता है जो ये बीम के नीचे वाला हिस्सा है, उसमें हमने यहाँ पर एक ड्रेसिंग बनाया है जिसमें नीचे दो ड्रॉर आते हैं, यहाँ पर शटर आता है, शटर के पीछे भी आपको स्टोरेज मिलेगी। और यहाँ पर ये हमारी एल शेप की स्टोरेज है जिसमें हमने बेज कलर की लेमिनेट यूज़ की है और इसके अंदर हमने टी प्रोफाइल का डिज़ाइन डाला हुआ है कुछ इस तरीके से, और गोल्ड कलर के आपके हैंडल आते हैं, कुछ इस तरीके से आपको ये पूरा नज़र आएगा। फिर हम बात करते हैं सामने की, तो सामने यहाँ पर हमने एक 9 फीट बाय 4 फीट की वार्डरोब बनाई है। इसमें भी हमने यहाँ पर गोल्ड कलर का पैटर्न डाला हुआ है जिसके अंदर हमने गोल्ड कलर के हैंडल लगाए हैं बेज कलर की लेमिनेट के साथ। फिर हम चलते हैं, ये आता है हमारा एक और बेलकनी है मास्टर बेडरूम की, ये हमने कवर करके इसके अंदर हमने यहाँ पर मंदिर बनाया है। एक ये हमारा 6x2.5 का मंदिर है। अगर मैं मंदिर की बात करूँ तो यहाँ पर हमने ओम का डिज़ाइन डाला हुआ है, ऊपर में आर्च है, यहाँ पे सेल्फ लगी है कुछ भी सामान या भगवान जी रखने के लिए, नीचे एक ये सेल्फ आती है, नीचे तो ड्रॉर स्टोरेज आती है। ये हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है। अगर सेकंड बेडरूम की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ हमने यहाँ पर एक बिल्डर स्पेस में वार्डरोब बनाई है, स्लाइडिंग वार्डरोब। अगर मैं वार्डरोब की बात करूँ तो यहाँ पर हमने दो कलर की लेमिनेट यूज़ की हुई है, एक हमारी वुडन आती है, ये दूसरा ही ग्रेन्स के साथ में लाइट कलर है जिसके अंदर हमने गोल्ड कलर के हैंडल लगाए हैं, ऊपर में भी हमारे गोल्ड कलर के हैंडल आते हैं, कुछ इस तरीके से आपको ये पूरी स्लाइडिंग वार्डरोब। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।